वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिरेकल के इस ट्यूटोरियल में जानेंगे ऑटोमेटिक मल्टी लोकेशन बैकअप के बारे में, जिससे मिरेकल से एग्जिट करने के बाद कंपनीज के बैकअप को डायरेक्टली जी ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ जी ड्राइव में ही नहीं, लेकिन साथ ही मिरेकल जहां इंस्टॉल है उस फोल्डर में, यानी कि इंटरनल पाथ में और पीसी के अदर डिजायर्ड पाथ पर भी सेव होगा। इन शॉर्ट, बैकअप ये तीनों लोकेशंस पर एक साथ स्टोर होगा। प्लीज नोट दैट जी ड्राइव में ऑटोमेटिक बैकअप सेव करने के लिए मिरेकल का एक्टिव सब्सक्रिप्शन जरूरी है। नाउ सेटअप को एनेबल करने के लिए गो टू सेटअप एंड सॉफ्टवेयर सेटअप। यहाँ ऑटो बैकअप लोकेशन ऑप्शन पर डबल क्लिक करें। तुरंत ही हमें लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। एंटर प्रेस करके लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम एक साथ तीनों लोकेशंस पर बैकअप सेव करेंगे। पहले जी ड्राइव सिलेक्ट करें। यदि इससे पहले यूटिलिटी मेन्यू में बैकअप ऑप्शन द्वारा जी ड्राइव बैकअप लेने के लिए ईमेल एड्रेस दाखिल किया है और हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ लॉगिन के लिए नहीं पूछा जाएगा। अगर लॉगिन नहीं किया है तो मिरेकल से एग्जिट करने के समय ईमेल लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंटरनल पाथ सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि हमारा बैकअप मिरेकल जहाँ इंस्टॉल है उस फोल्डर में सेव होगा। एंड लास्टली अदर पाथ सिलेक्ट करेंगे। अदर पाथ ऑप्शन यहाँ तभी दिखाई देगा जब हमने इससे पहले यूटिलिटी मेन्यू में बैकअप ऑप्शन में अदर पाथ से बैकअप लिया हो, और वो सिलेक्टेड पाथ ही यहाँ पर मिरेकल द्वारा लिया जाएगा। यदि इन तीनों के अलावा कोई और पाथ ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड बटन पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। तो ये हो गए डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर ऑटोमेटिक बैकअप लोकेशंस। फिर टैब प्रेस करें। ऑटो बैकअप के लिए सिलेक्टेड सभी लोकेशंस यहाँ देख सकते हैं। क्लिक ऑन ओके। हमने बैकअप के लिए जी ड्राइव ऑप्शन सिलेक्ट तो किया है, पर रिक्वायर्ड जीमेल लॉगिन नहीं किया है, इसलिए ये एरर मैसेज शो हुआ है। बट डोंट वरी, अब ये सेटअप को सेव करें। बैकअप लेने के लिए मिरेकल से एग्जिट करेंगे तो फिर से हमें सेम एरर मैसेज शो होगा। ओके पर क्लिक करें। पाथ फील्ड में पहले हमने जो भी डिजायर्ड पाथ सिलेक्ट किया होगा वो एज इट इज रहेगा, पर ऑटो बैकअप लोकेशन का नया फील्ड ऐड हुआ देख सकते हैं। इसके सेटअप में हमने तीनों ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, इसलिए तीनों एक साथ शो हुए हैं। पर यहाँ से भी हम सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर सेट किए हुए सभी लोकेशंस पर हमारा बैकअप एक साथ सेव होगा। क्लिक ऑन ओके। अब इस स्टेज पर हम जीमेल लॉगिन करेंगे। रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स दाखिल करें, देन क्लिक ऑन अलो, अगेन क्लिक ऑन अलो। हमने मिरेकल में जीमेल लॉगिन कर दिया है। नाउ मिरेकल में देखेंगे तो बैकअप प्रोसेस रेज्यूम हो गई है। चलिए ऑटो बैकअप के लिए सेट किए गए तीनों लोकेशंस पर बैकअप की जांच करते हैं। जी ड्राइव में सेव हुआ मिरेकल का बैकअप दिखाई नहीं देता, पर वो सेव्ड होता है। पर यदि जब हम मिरेकल में बैकअप रिस्टोर की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तब शो होता है। नेक्स्ट ये हमारा मिरेकल का इंटरनल पाथ है जहाँ कंपनी बैकअप देख सकते हैं, और लास्ट में ये अदर पाथ में सेट किया हुआ लोकेशन है, यहाँ भी बैकअप देख सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से मिरेकल बैकअप के लिए मल्टी लोकेशन सेट कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।